नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो। सो बहुत बार ऐसा होता है कि आप हैप्पी होते हो जब आपके लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, आपने कोई नया चीज ली, आपको कोई प्रमोशन मिला करियर में, या कोई नया रिलेशन बन गया, आपने कोई टूर किया, मगर फिर आप बहुत जल्दी फिर से अनहैप्पीनेस के मूड में आ जाते हो। सो हमेशा हमने देखा है कि हैप्पीनेस कम हो जाती है या सडन डिसअपीयर हो जाती है। सो ऐसा होता क्यों है? व्हाई इज दैट हैपनिंग एंड व्हाट इज दैट? क्या वो हैप्पीनेस है? सो एक्चुअली यहाँ पे हम समझेंगे हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर। सो हैप्पीनेस एक अलग चीज है और प्लेजर एक अलग चीज है। सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट, प्लेजर इज एन इमोशन। हैप्पीनेस इज परमानेंट, प्लेजर इज टेम्पररी। हैप्पीनेस इज मोर स्पिरिचुअल और प्लेजर इज मोर ऑन द मटेरियल साइड। एंड फाइनली हैप्पीनेस इज इंटरनल एंड प्लेजर इज एक्सटर्नल। सो हम जब बहुत हैप्पी होते हैं किसी इंसिडेंट से लाइफ में या कोई नई चीज आने से और सडनली हम अनहैप्पीनेस हो जाते हैं, तो हमें वो रियलाइज करना होगा वो हम प्लेजर में थे, हम हैप्पीनेस में नहीं थे, क्योंकि वो एक्सटर्नल चीजों से आ रही थी और वो चीज जब चली गई तो हम अनहैप्पी हो गए। सो वी वर इन अ मोड ऑफ प्लेजर, वी वर नॉट इन अ मोड ऑफ हैप्पीनेस। जब ये क्लियर हो जाएगा कि हैप्पीनेस क्या है और प्लेजर क्या है, सो अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए आप और बेटर तरीके से काम कर सकते हैं।